हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कार्यालयों का उद्घाटन जो है जोर शोर से चल रहा है। वार्ड नंबर 11 के प्रत्याशी प्रकाश तंवर के कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के द्वारा आज किया गया। इस मौके पर उनके द्वारा कहा गया कि बीजेपी पार्टी के बोर्ड के समय अनेकों कार्य करवाए गए थे जंक्शन और टाउन के अंदर, हमारी सरकार ने अंडरपास भी स्वीकृत कराए थे। कार्यालय का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राम प्रताप जी के द्वारा किया गया, जिसमें वार्ड वासियों ने, बच्चों ने, महिलाओं ने और बुजुर्गों ने पूरे उत्साह पूर्वक भाग लिया। डॉक्टर साहब ने आज पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा करवाए गए अनगिनत कार्यों के बारे में वार्डवासियों को बताया। पूर्व के अंदर वार्ड 17 में मुख्य रूप से लगभग 50 सालों से एक ही समस्या थी। ये वार्ड दो भागों में विभाजित हुआ है, एक लाइनों के उस तरफ और एक लाइनों के शहर की तरफ है, और 50 सालों से लगभग एक ही मुख्य समस्या थी भी अंडरपास की, और अंडरपास एक अंडरपास की डिमांड के लिए यहाँ संघर्ष समिति भी बनी थी। उस संघर्ष समिति ने अपना खूब संघर्ष किया, उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर डॉक्टर साहब के प्रयासों द्वारा एक अंडरपास की मांग की गई और इस कॉलोनी को तीन तीन अंडरपास मिले। कंग कॉलोनी और ये आनंद विहार कॉलोनी जहां कच्ची सड़कें थी, उस कॉलोनी के अंदर आज सीसी सड़कें बनी हुई है। एक अंडरपास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हो चुका था, कांग्रेस सरकार आने के बाद एक साल होने के उपरांत भी दो अंडरपास आज भी बंद पड़े हैं, और वार्ड में कांग्रेस सरकार आने के बाद एक ईंट भी नहीं लगी है। डॉक्टर साहब ने प्रकाश जी, अगर आप वार्ड की जनता को चुनती है तो आप वार्ड के लिए बड़ा काम करवाएंगे? वार्ड के लिए ये जो वार्ड नंबर 17 है, आज भी कृषि भूमि इसके अंदर है, और कुछ जो कॉलोनियां हैं आज 90B में कन्वर्ट नहीं हुई है। वहाँ के वार्ड वासी जो बासिंदे हैं आज सड़क नाली और लाइट इस मूलभूत सुविधाएं से वंचित है। अगर वार्ड की जनता मुझे मौका देती है सेवा करने का, तो सर्वप्रथम नाली, सड़कें और बिजली, उसके बाद और नए कॉन्सेप्ट और नए विजन के साथ इस वार्ड में विकास कार्य करवाने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा।